नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू चौधरी और इंडिया न्यूज 64 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कभी खुद मदद के लिए गुहार लगाई थी और जिन्हें खुद एक समय था जब इन्हें मदद की ज़रूरत थी और आज ये हज़ारों लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो सीधा चलेंगे उन्हीं के पास और जानेंगे कि उन्हें ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उन्होंने ये कब सोचा कि वो हज़ारों लोगों तक मदद करेंगे। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी, सोनू सूद एक्टर जो अभी बॉलीवुड स्टार है, उसे मुझे इंस्पिरेशन मिला था। तो आपने आपको मैंने सुना है आपको भी मदद की जरूरत थी, जिसके बाद आपको ने ये सोचा कि मैं भी लोगों की मदद करना चाहूंगा। बिल्कुल, जब मैं लॉकडाउन में फंसा था तो मैं 15 दिन तक उत्पाद बिना खाना के, तब मुझे सोनू सूद सर का मदद मिला। उसके बाद ये मेरा सिलसिला चालू हुआ। जी, तो अब आपने बताया कि आपके एनजीओ में आपने, हमने ये भी सुना है कि आपने एनजीओ का नाम अपने माता पिता के नाम पर रखा है, नागेश्वर बिमला फाउंडेशन। तो सर, आपने आपके एनजीओ में अभी तक कितने लोग जुड़ गए हैं और आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। अभी मैं आपको बताऊं तो अभी तक हमने, हमारी टीम ने मिलकर अभी तक 5 से 6 थाउजेंड पीपल तक मदद पहुंचाया है और अभी फिलहाल 3 से 4 या 5 राज्यों में बोल रहा हूँ अभी तक हमारी टीम काम कर रही है। लगभग 30-40 वॉलेंटियर्स हैं जो हर रोज लोगों तक मदद कर देते हैं, जहाँ तक हमारी क्षमता हो पाती है, हमारी टीम की हो पाती है। तो इतने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए आपको फंड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो सब कुछ आपको कहाँ से अवेलेबल हो पाता है ये भी बताएं। कहना कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए अभी भी आगे आते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जहाँ से लोग डोनेट करते हैं। अगर मैं इन्फॉर्म करूँ इन सब चीजों की जरूरत है या 100 लोगों की राशन की जरूरत है तो वो डोनेट करते हैं। जी, डोनेशन से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके गांव में, अभी मैं आपकी स्टोरीज देख रही थी, तो आपके गांव में भी आपने लोगों की काफ़ी मदद की है, जैसे पंचायत में बच्चियों को आपने स्कूल बैग्स दिए हैं, सिलाई मशीन दी है, तो वो लोग भी आपको बहुत, मतलब आपके, आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। होता है कि एक कहावत है कि जब भी कुछ शुरू होता है तो घर से शुरू होता है। जी बिल्कुल, तो हमने भी वही किया था। बर्ड आया था हमारे गांव में तो हमने सोनू सूद जी की मदद से पहला मदद वहां पे दिया था और उसके बाद धीरे धीरे मैं संस्थाओं से जुड़ने लगा और फिर गांव की जितने भी लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, किसान थे, उन तक मदद पहुंचाया। और जो भी हो पाता, चाहे वो मेडिकल केस से हो, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो राशन से हो, हम लोग हर मदद अभी भी पहुंचाते हैं। तो ये भी बताएं मनीष जी कि आप अभी, मतलब एक एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ के ओनर हैं, तो उसके अलावा आप और क्या कुछ करते हैं? मैं आपको बता दूं तो मैं पेशे से एक कलाकार हूँ और लगभग 3 साल पहले आया था एक कलाकार बनने के लिए। वैसे मैं कलाकार हूँ, मेरा एक सपना है कि मैं लोगों के बीच जाऊं, जो मेरा कला है वो लोग देखे, टीवी पे देखे, मेरा ये सपना था। तो अभी फिलहाल मैं एक्टिंग लाइन में मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ और जैसे ही हमारे पास वक्त मिलता है मैं सोशल वर्क पे ज्यादा ध्यान दे देता हूँ और मेरी टीम बहुत अच्छी काम को संभाल देती है। तो बिहार के इलाकों में आपकी टीम काम कर रही है या फिर आपने सोचा है कि उसे मुंबई के इलाकों में या फिर और भी कई जगहों पे आप उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं तो अभी बिहार से बाहर भी काम चल रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे अभी हमारी टीम। जी हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी जी सर, अभी आप तो उन जी, मतलब अभी मैं 4 राज्यों में मदद पहुंचा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा, इन सब जगहों पे हमारी टीम कर रही है। इतनी ठीक है। अभी आप महज 20 साल के हैं तो मैं जानना चाहूंगी आपने, मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ एनजीओ और एक्टिंग यही काम करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं बताऊँ तो मैं अभी 12th क्लास और अगले साल मेरा एग्जाम भी है तो मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ ताकि मेरी एजुकेशन है वो भी कम्प्लीट हो जाए। और सब इन सब चीजों का मैं श्रेय सिर्फ सोनू सर को देता हूँ क्योंकि उनके वजह से ही जो हमारी जिंदगी में बदलाव आया है अभी, वो बस उनके वजह से है। अगर वो मदद ना करते तो आपके सामने नहीं बैठा होता। जी सर, तो अपनी फाउंडेशन के बारे में आप हमें और कुछ बताएं कि क्या कुछ खास है आपकी फाउंडेशन में और सोनू सर से आप जुड़े हुए हैं तो वो कैसे कुछ आपकी हेल्प करते हैं?
मैं अपनी संस्था के बारे में अगर बताऊं तो मेरी जो संस्था है वो वैसे बच्चों के ऊपर काम करना चाहती है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो रूरल बच्चे हैं, उन तक मदद पहुंचाने का काम है कि अगर वो पढ़ाई ना कर सके तो हम उन बच्चों को एजुकेशन दे। और जी दूसरा बात, जो दूसरा मेन मुद्दा है हमारे एनजीओ का, वो रोजगार के ऊपर है। जो आजकल औरत है, जो हाउस वाइफ है गाँव में, जिनके पति कमा नहीं पाते, तो हम कोशिश कर रहे हैं उन तक एक ऐसा रोजगार खोलें ताकि उनका घर परिवार और उनके बच्चे पढ़ाई कर सके। हमने कई लोगों का दुकान भी खुलवाया है, कई लोगों को सिलाई मशीन भी दिया और कई तरह के रोजगार उनके बीच पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और रही बात सोनू सर की, तो संस्था के द्वारा भी हमारे गांव में, आसपास के गांव में मदद पहुंचाया जा रहा है लगातार। तो सर अभी तक आपकी जो ये एनजीओ की जर्नी है वो कैसी रही है? अभी तक बहुत अच्छा रहा है। तो हमारा गुरुद्वारे में खाना खाया करता था, आज लोगों तक वो मदद पहुंचा रहा है, तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है कि किसी तक मदद पहुंचा पाता हूँ, एक सहयोग पहुंचा पाता हूँ कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है। तो आपने कब शुरू किया था ये एनजीओ? 2 साल पहले मैं सोनीपत की मदद से लॉकडाउन अपने गांव गया था, उसके कुछ ही महीनों बाद मैंने शुरू किया था और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। और मैं आपको बताऊं तो आज ये मेरा काम बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों तक मदद ज्यादा पहुंच रहा है, जो भी हो पा रही है, जो लोगों तक मैं कर पा रहा हूँ वो पहले से ज्यादा कर पा रहा। जी, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने एनजीओ के बारे में हमें, कि कितने कितने लोग और भी जुड़ना चाह रहे हैं आपके एनजीओ से? और आप कितनी बार, मतलब आप मुंबई रहते हैं तो आप बिहार जाते होंगे तो अपने एनजीओ से के मेंबर से जुड़ते होंगे? तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा लोगों को, जो भी मेरे नागेश्वर बिरला फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़े, चाहे वो किसी देश से हो, वो भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे टीम से जितने लोग जुड़ेंगे हम उतने जरूरतमंद लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं जब बिहार जाता हूँ तो बहुत सारे युवक से मिलता हूँ ताकि अपने टीम से जोड़ सकूँ, अपनी संस्था से जोड़ सकूँ, ताकि वो काम और बड़ा हो सके, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, जी उनके बिल्कुल, मदद के बिना, उनके जी, मनीष जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।